हेलो दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड ऑडियो बुक के पिछले वीडियो में हमने लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में जाना था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम रिच डैड और पुअर डैड बुक के सबक नंबर 3 व 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसी ही मजेदार वीडियोज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड द्वारा उन्हें अमीर बनने के लिए दिया गया 3रा व 4था सबक क्या है। सबक 3, अपने काम से काम रखो। इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडोनल्ड के संस्थापक रिक रॉक ने MBA की एक क्लास में अपनी स्पीच दी। ये बात 1947 की है। उनकी ये स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की, तो मैकडोनल्ड के संस्थापक रिक रॉक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों बातों में रिक रॉक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है आप हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रिक रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ। मैकडोनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की जमीन और उसकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है, ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडोनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्कड़ों पर अपने कदम जमाए हुए है। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो, अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। हम में से ज्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते जहां हम नौकरी करते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आप सब जानते हैं, आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। अब समस्या ये कि इससे भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का काम क्या है, तो उसका जवाब होता है कि मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या आप उस बैंक के मालिक हो, तो उसका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया है। लेकिन यहाँ उसका पेशा तो बैंकर का है, परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीजें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की जरूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों को खरीदने से बचे जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। आपको किस तरह की एसेट्स खरीदने चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा असली संपत्तियां खरीदने की सलाह देते हैं, ऐसी संपत्तियां जो आपको फायदा पहुंचाती है, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें आपको मौजूद रहने की जरूरत नहीं हो, आप केवल मालिक हो पर उसे दूसरे लोग चलाते हो। स्टॉक्स में निवेश, बॉन्ड्स खरीदें,
आमदनी देने वाला रियल एस्टेट खरीदें। बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स, बुक्स आदि। इसके अलावा हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विलासिता की वस्तुएं, दायित्व ना खरीदें, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। इतना समझ लेने के बाद अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं। यानी वो रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की शक्ति। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता था। शुरुआत में टैक्स का मतलब था कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जुर्माने के तौर पर सरकार को देगा। बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, यानी गरीब और मध्य वर्ग। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, वहीं अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो इस फील्ड के अच्छे जानकार होते हैं। कॉर्पोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। ये दरअसल कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता, लेकिन कॉर्पोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है। इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉर्पोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है केवल उस पर टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके सोचने होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के सबक हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आगे के सबक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो मिस ना हो जाए।